तुम अब से ऐसा कुछ नहीं करोगे जिसके कारण तुम्हारे पिता तुम्हें निष्कासित करें। नहीं करूंगा माता। जब तक आपका या पिताश्री का आदेश ना हो तब तक मैं घर का त्याग नहीं करूंगा। किंतु मुझे भय है कि एक समय अवश्य ऐसा आएगा जब आप स्वयं मुझे घर का त्याग करने का आदेश देंगे। नहीं कर। अब हमें ऐसा कोई आदेश तुम्हें नहीं देना होगा क्योंकि आदेश देने के लिए हम जीवित ही नहीं होंगे। जलती हुई बाती को देखा है? सबसे पहले उस बाती को जीवन देने वाला ही जलता है। पर तुम्हारा यह संघर्ष तुम्हारे परिवार का बलिदान लेगा। कर्ण, महारानी कुंती ने तुमको बुलाया है। किंतु क्यों? राधा, महारानी के आदेश को किंतु परंतु नहीं पूछा जाता। जाओ पुत्र। वसंत पंचमी के उत्सव के दिन यदि कर्ण यहां रहा तो हमें पछताने का अवसर आएगा। भ्राताश्री, महारानी कुंती का आदेश ना होता तो कर्ण को पूर्ण निष्कासित कर देता। कर्ण को एक बहुत बड़ी विपत्ति से सुरक्षित करने का यही एक मार्ग है। नहीं आर्य, सुरक्षा घर में होती है, वन में नहीं। मैंने निर्णय किया है, वसंत पंचमी से पूर्व मैं कर्ण का विवाह करवा दूंगी। अपनी पत्नी को निराधार छोड़कर घर का त्याग करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये केवल परंपरा ही नहीं, ईश्वर का विधान है। कर्ण को ईश्वर के विधान को मानना पड़ेगा।
भवन के सम्राट, आपने मेरा लक्ष्य हिला दिया, अन्यथा मैं अवश्य लक्ष्य भेद कर लेता। हाँ अवश्य, आप तो राजकुमार हैं। युद्ध में शत्रु को आदेश देंगे कि वो हिले नहीं तो वो बिना हिले बिंद जाने की प्रतीक्षा करेगा। आपको युद्ध का अनुभव है? जीवन का अनुभव है राजकुमार अर्जुन। और मेरा जीवन भी युद्ध से कम नहीं। तात्पर्य? आपके प्रश्नों का प्रहार हो रहा है, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपकी माता से मिलने का आदेश है। यदि अपने तीर को अधिक दूर पहुंचाना है तो अपने धनुष की प्रत्यंचा थोड़ी और दृढ़ कीजिए, अन्यथा तीर आधे मार्ग में ही गति छोड़ देगा। एक प्रहर में लौटना है, चलिए इस दिशा में रसोई नहीं है, इस दिशा में चलिए। किंतु इस दिशा में आम है नकुल, मुझे आम की सुगंध आ रही है। आपकी भूख तो माया है भ्राताश्री, क्या क्या सुगंध आ जाती है आपको? थोड़ी और भूख बढ़ेगी तो आपको मनुष्य के मुख में आम का आकार दिखाई देने लगेगा। तुम्हारे मुख में मुझे कद्दू दिखाई दे रहा है नकुल, कारण जानते हो? अवश्य, क्योंकि आपको कद्दू का स्वाद प्रिय नहीं। हाँ इसलिए, और यदि मेरी चेष्टा कर रहे हो तो वास्तव में तुम्हारा मुख कद्दू जैसा हो जाएगा। अब चलो आम ढूंढते। कद्दूमुख, कितने सारे आम हैं। अन्न के विषय में मुझे कभी भी मिथ्या आभास नहीं होता। कितने आम खाओगे जस भ्राता? जितने पेड़ से गिरेंगे वो सब खा जाऊंगा। वो गुटली भी इसी आम के पेड़ से गिरी है भ्राता भी। आओ खाओ। ये दुशासन, अब पेड़ पर बैठे हो तो कुछ आम तोड़ कर दो ना। आपको प्रतीत हो रहा है कि यह सारे आम के वृक्ष आपके हैं? इनके पिता राजा थे ना, तब उनका अधिकार था सारे हस्तिनापुर पर। राजा थे किंतु अब इनके पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं, और अभी केवल स्वर्ग के आम के वृक्ष पर इनका अधिकार है, हस्तिनापुर के नहीं। ये सारे वृक्ष हमारे हैं भ्राता भीम, क्योंकि हमारे पिता राजा है। चलिए भ्राता जी, कुछ और खा लेना। अरे भ्राता भीम, यदि आप भीख मांगोगे ना तभी आपका आम प्राप्त होगा। सन्यासी के पुत्रों को भिक्षा मांगने में क्या लाज?
आपके पिता ने भी भिक्षा मांगी होगी। अवश्य, इनके पिता ने तो भीख में राज्य मांग लिया था। मांगिए मांगिए, भीख मांगिए, भीख मांगिए, आम पाइए, आम पाइए, आम पाइए। पुत्र नहीं, सूत पुत्र कर्ण। बात महारानी, आपने बुलवाया था, आदेश दीजिए। आदेश नहीं, विनती है। मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है कर्ण। सूत पुत्र वन में सहायता करते हैं महारानी, राजभवन में केवल सेवा करते हैं, और महारानी केवल आदेश देती है। मेरे पुत्र को तुम्हारे सहायता की आवश्यकता है। महारानी, आपके पांचों पुत्र सक्षम है और अपनी रक्षा करने में समर्थ भी है, फिर भी उनको मेरी सहायता की आवश्यकता है। मैं उनके सामर्थ्य को भली भांति जानती हूं कर्ण, और वो हस्तिनापुर से अनजान है। महाराज के पुत्रों का व्यवहार इस समय अनुचित है, इस कारण मैं अपने पुत्रों को लेकर चिंतित हूं। तुम्हारी उनके साथ मित्रता हो गई है, संघर्ष के समय होने वाली मित्रता और शत्रुता सदैव दृढ़ होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पुत्रों का हस्तिनापुर में मार्गदर्शन करवा पाऊंगे। मुझ पर आपको अधिक विश्वास है महारानी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रक्त के संबंध से भी अधिक गहन संबंध है तुम्हारे साथ। तुम्हारे मुख का तेज मुझे विश्वास करने की प्रेरणा दे रहा है। मांगे मांगे, भीख मांगे, भीख मांगे। चलिए भ्राताश्री, माता ने कहा था। मुझे स्मरण है नकुल, इंदु दुशासन उचित कह रहा है। भिक्षा मांगने में लज्जा का क्या कारण? पिताश्री कहते थे प्रकृति ईश्वर का ही अंग है, इसीलिए वृक्ष
बेल, आकाश, धरती, इन सब से हम रक्षा मांग सकते हैं। हे आम्र वृक्ष, कृपा करके मुझे आम दीजिए। मैं वचन देता हूँ, आपके वृक्ष से जो कुछ भी गिरेगा उसे मैं आपका प्रसाद समझकर खा जाऊंगा। भी है और ये सूद भी नहीं है। अब इनका क्या करेंगे राजकुमार दुर्योधन? रणिपा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कर्ण। राजकुमारों के साथ राजकुमारों वाला न्याय होता है और वो करना मैं जानता हूं। अवश्य, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अवश्य जानते होंगे, किंतु इनकी माता का आदेश है कि मैं इनके साथ रहूं। राजकुमारों के न्याय में कहीं एक सूत आड़े ना आ जाए। पिताश्री, वो पांडव पुत्र हस्तिनापुर में नहीं रह सकते, उन्हें इसी समय निष्कासित करना होगा। दुर्योधन, वो तुम्हारे भाई हैं और दाक्षिणी का आदेश है कि तुम पांडव पुत्रों को प्रेम दो। किंतु पिता महाराज, प्रेम आदेश से नहीं होता, परिचय से ही तो प्रेम बढ़ता है महाराज। और मेरे भांजों को पांडवों के साथ कोई परिचय ही तो नहीं, तो फिर प्रेम कैसे कर पाएंगे? इसीलिए महाराज, मेरा सुझाव है कि उन्हें प्रमाण कोटि के उद्यान में कुछ समय के लिए जल क्रीड़ा के लिए साथ भेजना ही उचित होगा महाराज।
साथ रहेंगे तो हृदय के अंतर भी तो कम हो ही जाएंगे महाराज। उचित कह रहे हो शकुनी। कल प्रातः सभी राजकुमार प्रमाण कोटी जाएंगे। सम्राट, उद्यान जाओगे? अब मेरे धनुष में किस बात की कमी है? अभी धनुष आपके हाथ में है राजकुमार अर्जुन। जिस क्षण वो आत्मा में बस जाएगा सारी कमियां समाप्त हो जाएंगी। आप भी धनुर्धारी हैं? नहीं। तो फिर आप धनुष के विषय में इतना किस प्रकार जानते हैं? पत्तों पर ओस की बूंदे स्वयं ही आकर बैठती है। पत्तों को स्नान करने नहीं जाना पड़ता। ज्ञान का भी ऐसा ही, प्राप्त करने पर तो कोई बंधन नहीं डाल सकता, केवल ज्ञान के प्रदर्शन पर बंधन होता है। तात्पर्य? वन से आ गए हैं राजकुमार तो वन का त्याग भी कर दीजिए, नगर को जानिए। मेरे कहने का तात्पर्य स्वयं ही जान जाएंगे। आपकी माता ने आपको मार्गदर्शन देने का आदेश दिया है। कल प्रातःकाल उपस्थित हो जाऊंगा।